सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। मैं कुछ बातों के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस परिस्थिति में, और कुछ कुछ बातें हैं जो हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे शारीरिक, प्राण और आत्मा पर, और इन तीनों चीज़ों को भोजन की आवश्यकता है। शरीर के भोजन को आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। शारीरिक भोजन है जितना भी चीज़ें, फिजिकल चीज़ होता है उन पर है, खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज करना, और जितना भी स्वस्थ चीज़ें हैं उन पर आप ध्यान दें। मन के लिए, प्राण के लिए आप अपने मन की रक्षा करें, मन को निराश ना होने दें, मन को आप भटकने ना दें, मन को उन स्वर्ग चीज़ों में लगाए रहे, क्योंकि वचन में कहता है तुम संसार की वस्तुओं में नहीं परंतु स्वर्ग की बातों में तुम अपने ध्यान को लगाओ, और उन बातों में ध्यान दे, और इस तरह की डर भय की गुलाम हम ना बने। हम ज़्यादातर अच्छी चीज़ सोचें, और हम अच्छे संगति में लोगों से बातचीत करें, और लोगों से हम प्रेरणा लें, मोटिवेशन हो, और इस तरह करके हम अपने मन को रक्षा करें। हम उन नेगेटिविटी थॉट पर हम ज़्यादा ध्यान ना दें, और सबसे महत्वपूर्ण बात आत्मा के लिए हम अपने वचन पढ़े, प्रार्थना में लगाए रहे, और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए, और इन तीनों चीज़ों की स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम आत्मा पर बहुत ध्यान दे देते हैं, लेकिन प्राण और शरीर पर हम कम ध्यान देते हैं। इसकी वजह से हम मसीही कई लोग भी शारीरिक कमजोरियों को महसूस करना शुरू करते हैं, और इसलिए तीन चीज़ों पर हम ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे साथ बनाए रहेगा। फिर भी कुछ कुछ जिम्मेवारी है एक मनुष्य होने के नाते जो हमें ध्यान देना ज़रूरी है। हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, और प्रार्थना करने के बाद हम बिल्कुल भी ये डाउटफुल में ना रहे, क्योंकि परमेश्वर की वचन हमें डाउट रहने के लिए नहीं कहता, हमें विश्वास बनाए रहने के लिए कहता है। तो हम विश्वास करें, और सबसे प्रथम स्थान में हम परमेश्वर की इच्छा को पुकारें, क्योंकि इस महामारी, इस परिस्थिति, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर देखता है, लेकिन उस प्रोसेस में भी हम परमेश्वर पर विश्वास बने रहे, और उनको हम कहे, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर आपकी सामर्थ्य वचन ने हमें कहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, और उस वचन के अनुसार हम विश्वास करते हुए आपके समूह में आते, इस तरह हम प्रार्थना करें। परमेश्वर सच में जीवित है, और हम अपने जिम्मेवारी को निभाए। जिम्मेवारी क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा की रक्षा करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है और एक जिम्मेवारी है। तो कृपया करके आप लोग शारीरिक के लिए आप ध्यान दें, प्राण के लिए जिसमें मन है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, और आत्मा के लिए वचन है, संगति है, प्रार्थना है, मनन है। तो हम सभी लोग इस महामारी से हम लड़ सकते हैं। प्रभु आप सभी को शांति और उनकी उपस्थिति दें।